नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल एक कंट्रोवर्शियल इशू है। काफ़ी लोग इसे बहुत फेवर करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ये सबसे बेस्ट ऑयल है, खासकर साउथ इंडिया वगैरह में जहाँ पे नारियल तेल का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग इसे काफ़ी अच्छा तेल मानते हैं और इसे कुकिंग के लिए बहुत प्रेफर करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऑब्वियसली ये हेयर केयर के लिए, स्किन केयर के लिए एज अ मॉइस्चराइजर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुकिंग में उतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता। फिर भी आज डिस्कस करेंगे इसके कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में, डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, और हमारी क्या रिकमेंडेशन है आपको इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के डेटा हैं ऑनलाइन जो अवेलेबल है, जो बिल्कुल विरोधाभासी आपको डेटा देते हैं। तो इसमें हमारा क्या ओपिनियन है और ओवरऑल क्या कर सकते हैं या क्या फॉलो करना चाहिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में, अगर हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो कोकोनट ऑयल का माना जाता है कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट है, ऐसा देखा गया कि क्योंकि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, वो लॉन्गर चेन ट्राइग्लिसराइड्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग तरह से मेटाबॉलाइज होते हैं, इसलिए वो बॉडी के टोटल कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए इसको माना जाता है कि हार्ट हेल्थ के हिसाब से पॉजिटिव इसमें एक एस्पेक्ट है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसमें लॉरिक एसिड होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ओवरऑल बॉडी के कीटाणुओं को मारने में मदद करता है, इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करता है। स्किन के लिए अच्छा है, जैसे लाखों हज़ारों सालों से सेंचुरी से इसको यूज़ किया जा रहा है स्किन केयर के लिए, बालों में लगाने के लिए। विटामिन ई होता है और इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हेयर को मॉइस्चराइज़ करता है। कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो कीटाणुओं को मारने में या पैरासाइट्स को मारने में मदद करता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि कुछ स्टडीज़ है जो शो करती है कि मीडियम चेन फैटी एसिड जो इसमें है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कुछ हद तक वेट लॉस करने में भी मदद कर सकता है। ओबीस पेशेंट्स अगर इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा वेट लॉस में मदद कर सकता है। कुछ और स्टडीज़ है जो ऐसा इंडिकेट करती है कि ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। हालांकि कोई बड़ी स्टडी अवेलेबल नहीं है। ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, ये मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूवाइज करता है। इसकी जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है वो ब्रेन को एक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स रहते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिनका इफेक्ट है जो सूजन को कम करते हैं। तो बॉडी में अलग अलग तरह के कारणों से अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो ये हेल्पफुल है। इसके अलावा डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे आंतों में या गट में जो इन्फ्लेमेशन यानी बैक्टीरिया है उनको रिस्टोर करता है, गट के सूजन को कम करता है, नॉर्मल डाइजेशन को इम्प्रूवाइज करता है, तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। अब नुकसान या साइड इफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स इसके क्या है? सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 92% इसमें सैचुरेटेड फैट्स रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादातर वेस्टर्न डेटा तो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं बोलता है। ज़्यादातर वेस्टर्न डेटा तो इसको यही मानता है कि ये आप ऑयल लगाने के लिए या मॉइस्चराइजर के लिए या हेयर के लिए भले ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जिस भी चीज़ में है वो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो बढ़ाएगा या नुकसान करेगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल पर भी जो इसका इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट का भी जो लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ज़्यादातर मेरा सजेशन तो यही है कि क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा है तो कुकिंग के लिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। सेकेंड इसमें यह कि कैलोरीज ज़्यादा होती है तो इसमें वेट गेन बढ़ता है, अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वजन बढ़ाएगा, थोड़ी बहुत मात्रा में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बेनिफिशियल हो वेट लॉस करने में भी मदद करे, क्योंकि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड का इफेक्ट है। पर एक्चुअल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड का भी जो इफेक्ट बोला जाता है वो हाइपोथेटिकल है, बहुत ज़्यादा ट्रू नहीं है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि कोई भी ऑयल अगर आप खाते हो और ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो वजन बढ़ाते हैं, तो वजन कम करने के हिसाब से आप इसको ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे इसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव माना जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी शरीर का हार्मफुल इफेक्ट करने वाला कोलेस्ट्रॉल है, तो बॉडी के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, तो इस हिसाब से ख़राब है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को स्किन रैशेज या ब्रीदिंग डिफिकल्टी या बॉडी में चकत्ते वगैरह भी पड़ सकते हैं। कई भी कभी ये एनवायरनमेंट में बनता है तो, और इसको लार्ज अमाउंट में लोग लेते हैं तो इसमें थोड़ा टॉक्सिन्स वगैरह भी आ सकते हैं, एनवायरनमेंटल टॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। जी डिपेंड करता है कि किस एरिया में इसको कल्टीवेट किया गया है या किस एरिया में वो पेड़ लगाया गया, उस एरिया में क्या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है उसके हिसाब से। इसके अलावा कुछ लोगों को जो हाई अमाउंट में कोकोनट ऑयल लेते हैं उनको एक्ने होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका कारण ये है कि स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्ने होने का कॉस्ट बढ़ जाता है। अलग अलग एरियाज़ में इसका कॉस्ट भी एक कंसर्न है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और नॉन कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे क्योंकि कोकोनट नहीं होता नॉन ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो उनको लिए ज़्यादा कॉस्टली है। हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में या यहाँ के सराउंडिंग्स में या बाकी ऑयल्स के कंपेरिजन में ये ठीक ठाक रेट है, बहुत कॉस्टली तो नहीं है। तो कॉस्ट का कंसर्न इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, पर वेस्टर्न मार्केट्स के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली उतना होता नहीं है।
और कुछ मेडिसिन के साथ, एक कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाली मेडिसिन और कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। तो इसलिए अगर ये मेडिसिन के साथ अगर आप इनको ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल अगर कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स या रिस्क के बारे में। देखिए, इसमें मेरा वर्डिक्ट ये है कि आपको मेरे ख्याल से तो इसको कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। आप मसाज के लिए या हेयर ऑयल की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग के लिए सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ज़्यादातर ऑथेंटिक डेटा जो मुझे मिला, जो वेस्टर्न डेटा ज़्यादातर मुझे मिला, वो ज़्यादातर तो यही कहता है कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत सपोर्टिव डेटा मिला, वो उतने बड़ा डेटा नहीं था, थोड़ा सा बायस डेटा ही लग रहा था। कोई साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ है कि जो इसको फेवर करे। इसलिए मेरा सजेशन तो ज़्यादातर ये है कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, और सैचुरेटेड फैट्स के लिए ज़्यादातर जो डेटा है वो नेगेटिव ही है। तो इसलिए बने जितना कम ही यूज़ करिए, और एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो इसका यूज़ को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है पीपल इससे डिफर करें, पर अगर आप डिफर करते भी हैं तो आप मुझे साइंटिफिक डेटा ला के दिखाइए कुछ पेशेंट्स का, जिसमें एक्चुअल में इसमें बेनिफिट शो किया है कि इतने हज़ार पेशेंट में कोकोनट ऑयल यूज़ किया, इतने हज़ार में ऑलिव ऑयल यूज़ किया, कोकोनट ऑयल बेटर पाया गया, ऐसा अगर कोई डेटा अवेलेबल हो तो वैसा आप लेके आइए। पर मुझे तो ऐसा कोई डेटा अभी तक नहीं मिला, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन या मेरा वर्डिक्ट तो ये है कि इसे ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने कोकोनट ऑयल के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख सकते हैं। YouTube लाइव सेशन भी हम करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम YouTube शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक में का 1 मिनट में हम आपको ब्रीफ समरी दे देते हैं। तो आप इस टॉपिक को वहाँ पे देख सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना पड़ेगा। जो लोग हमारे चैनल पे सारे कंटेंट को ढूंढने में जिन्हें दिक्कत आती है, उन्हें लगता है कि इतने हज़ारों टॉपिक्स में हम अपने मतलब का टॉपिक कहाँ ढूंढें, सारी बीमारी को तो देखने का मतलब नहीं, तो उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, ऑयल्स, डाइट, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कंटेंट चाहिए या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे आप जाइए तो मेरे चैनल पर उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू।